नमस्कार, स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है और आज मैं बनाने वाला हूँ मसूर की मीठी चाट। तो इसके लिए हम गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई में थोड़ा तेल डालते हैं। ये तेल गर्म होने तक हमें इंतजार करना होगा। अब तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज डालते हैं, इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी शक्कर, अब ढक्कन रखकर इसे पकने देते हैं लगभग 2 मिनट। हमारा प्याज पक रहा है, तब तक हम नारियल का मसाला बना लेते हैं। इसमें कच्चा नारियल, जीरा, लहसुन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी शक्कर, थोड़ी हल्दी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूं। अब इसकी पेस्ट बनानी है। पेस्ट रेडी है, अब इसे बाजू में रखते हैं। अब प्याज पर नजर डालते हैं। अब डालते हैं कड़ी पत्ता। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं या फिर मसाले में भी लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अब इसमें मैंने ये मसूर जो मैंने पहले से बॉईल की हुई है कुकर में लगभग 2 सीटी होने तक इसे पकाया है, वो अब इसमें डालते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसे अब अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें मैं इमली का रस डाल रहा हूं। इसके उबलने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब इसमें हमने नारियल का जो मसाला बनाया था वो इसमें पूरा ऐड करना है और अब ऊपर से ढक्कन रखकर लगभग 5 मिनट इसे पकाना है। अब हम इसे तड़का देते हैं। तो बर्तन लेते हैं, गैस ऑन किया, तेल डाला। अब इस तेल को गर्म होने दीजिए। इसमें हम थोड़ी सी लहसुन डालने वाले हैं और इसका तड़का इस मीठी शाख को देने वाले हैं। लहसुन ब्राउन होने चाहिए। इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च और ये दिया तड़का। मीठी शाख रेडी है, हम इसे सर्व करते हैं।